कोई दिक्कत तो नहीं मिलने में? सर बस पापा ना पापा एक बार बोल के वहाँ चले जाओ, क्योंकि सर पापा की प्रेस वाला थोड़ा है। डेट करा देंगे, सब सारा काम करा देंगे, यहाँ तक टीचिंग में बढ़ा देंगे सबका काम 100%। डेट करा पेट करा करा देंगे, कैसे मिला हमारी इसी लिए कह रहे हैं, हमारे सारे जब फोन की करेंगे क्या जरूरत है किसी के साथ। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ज्यादा साल में दो तीन बार भी दूंगे, उनके पास टाइम ही नहीं करते। तीन बार में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ जैसे क्या पिछले गुजार नहीं होते नहीं सर, इसलिए बोले सोच रहे थे कि पूछ ले क्या किस लिए मतलब बुला रहे हैं। कभी आप तक किसी ने टच नहीं किया है? नहीं सर, बिल्कुल अनटच हो। यस सर। सर्विस कर रहे हैं, किसी के साथ करना भी है? यस मेरे साथ। यूपी के जौनपुर जनपद के टीडी कॉलेज के एक प्रोफेसर का अपनी ही छात्रा से आपत्तिजनक डिमांड करने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रोफेसर कह रहा है कि सिर्फ मुझे टच करने दो, बीएड और टीईटी दोनों पास करवा दूंगा। फिलहाल वायरल वीडियो का संज्ञान कॉलेज के प्रिंसिपल आलोक सिंह ने लेते हुए संबंधित प्रोफेसर को नोटिस भेजकर कार्रवाई किए जाने की कवायद शुरू कर दी है। यह पूरा मामला जौनपुर नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के टीडी कॉलेज का बताया जा रहा है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले कॉलेज में जब गुरुजनों द्वारा ही इस तरह की हरकत का वीडियो सामने आने लगे, बदनामी निश्चित है। फिलहाल वायरल वीडियो टीडी कॉलेज के प्रोफेसर प्रदीप सिंह का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में प्रोफेसर स्नातक की छात्रा से परीक्षा में पास करवाने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दे रहा है, साथ ही कहता हुआ नजर आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं होगा, बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। डरी सहमी छात्रा किसी तरह हिम्मत करके अपने मोबाइल से पूरी बातचीत का वीडियो बना लेती है, जिसके बाद अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय संविधान और कानून जब प्रक्रिया यही है, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? तो सर कॉलेज यहाँ के जो यहाँ का प्रबंधक, यहाँ के प्रबंधक कॉलेज कमेटी का अधिकार है कि नहीं है? तो कोई बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति, जब भी ऐसी स्थिति किसी शिक्षक के द्वारा, किसी महिला के द्वारा कहीं भी होती है, उसमें दो प्रक्रिया है। मल कसाब ने दिन दहाड़े सारे एविडेंस उसके पास थे, भारत सरकार ने 8 साल तक 10 साल तक बिरयानी खिलाई, तब फांसी हुई कि सरकार ऐसी थी। सुनिए, मैं सब वैसी सरकार नहीं थी, कानून की प्रक्रिया हमारे यहाँ करेंगे हम बहुत पूछी देंगे, तब ना कार्रवाई करेंगे। एक हमको काले शासन को ये मत बोलिए सर, प्लानिंग है सर, वो बंदा बोल रहा है हमसे कोई प्लानिंग नहीं होगी। पहले FIR करवाइए। ठीक है सर, किससे FIR करवाए? जो पीड़ित से, जो पीड़ित आपने कहा है। अब ये बताइए, कौन सी लड़की के साथ अगर होगा उसकी शादी विवाह करना है, चाहे मेरी बहन हो चाहे किसी की हो सकता है, वो प्लान के तहत जो है वो कराया गया। जब हमारे साथ कार्रवाई हुई तो सर सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बात हमारे साथ हुई तो आप छोड़िए, आप हम लोग को बता दें, प्रबंधक जी बुला दे, हम लोग उन्हीं बात कर ले, जब आपके हाथ में बात ही खत्म हुई। देखिए वो हमने वो लीगल कार्रवाई होती जिसके लिए पुलिस विभाग के लोग समय जब ऑफिशियल वर्जुअली ऑफिशियल कोई भी चीज इस तरह का स्टेटमेंट में कभी जात धर्म सर आप बस ये बताइए कदम क्या उठा। लखनऊ से हमारे पास फ़ोन आया था किसी जर्नलिस्ट का, उन्होंने एक वीडियो भेजा कल शाम को, उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि क्या ये वो हमारे एक शिक्षक और किसी महिला अपनी छात्रा से कुछ अश्लील वार्ता का जिक्र उस वीडियो में है। तो हमने उस वीडियो को देखा तो उस वार्ता में जो वीडियो में जो शिक्षक दिखाई दे रहे हैं वो प्राचीन इतिहास विभाग के हमारे जो प्रभारी हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, वो दिखाई दे रहे हैं, किसी छात्रा या महिला का जो उसमें सिर्फ आवाज़ आ रही है
और किसी का फेस नहीं आ रहा है। वार्ता जो बड़ी ही अश्लील और अनैतिक किस्म की है, जो बड़ी शर्मनाक है। प्रथम दृष्टया उसी वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए हमने डॉक्टर प्रदीप सिंह जी को ईमेल के माध्यम से, कॉलेज के ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और माननीय प्रबंधक जी को सूचना दे दी है इसके लिए, और ताकि वो अपना स्पष्टीकरण दो से तीन दिनों का हमको अवसर दिया हमने, अपना स्पष्टीकरण दें। तत्पश्चात उसके जो भी होगा माननीय प्रबंधक जी के निर्देश के अनुसार जो विधिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। ये बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, कभी इस तरह के दाग नहीं लगे इसको। जौनपुर सर इकलौता कॉलेज है प्रतिष्ठित, इस तरह के सम्मान। देखिए, शिक्षा का मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है और हमारा जो महाविद्यालय है इस पूर्वांचल का गौरव माना जाता है। निश्चित रूप से जो क्रियाकलाप किए गए हैं वो अशोभनीय है, लेकिन चूँकि कभी चीज़ें ऐसी हो गई हैं तो इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है माननीय प्रबंधक जी के निर्देश के अनुसार की जाएगी। छात्रा सामने आई है क्या? अभी तक छात्रा का कोई न तो नाम मेरे पास आया है, ना ही कोई लिखित शिकायत हमारे पास आई है। सर कोई शिकायत किया उस तरह? नहीं, हमारे पास इस प्रकार से कोई सूचना नहीं है। अगर शिकायत नहीं मिलती तो कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए, वीडियो को प्रथम दृष्टया हमने जो स्वतः संज्ञान लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, और चूंकि हमारा सेमी गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, इसमें तमाम निर्णय जो होते हैं, हमारे नियुक्तिकर्ता जो होते हैं माननीय प्रबंधक जी होते हैं, और माननीय प्रबंधक जी के निर्देश के अनुरूप ही अब आगे कार्रवाई की जाएगी इस पर। कौन टीचर थे किस विभाग के थे कुछ? हाँ, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी हैं का चेहरा उसमें दिखाई दे रहा है, जो प्राथमिक इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, अब तो उसमें विभाग प्रभारी का पद आ गया है, वो विभाग प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा है। आप उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया कुछ? देखिए, अभी तक हमने व्यक्तिगत रूप से उनसे साधने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जो हमने स्पष्टीकरण है उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के कॉलेज के ग्रुप से जो माध्यम हमारे पास है, उनके ईमेल आईडी कॉलेज के द्वारा सूचना स्पष्टीकरण के लिए मांग की गई है। अंतिम कार्रवाई सर क्या होगी इसमें? अंततः कार्रवाई क्या हो सकती है अगर इस तरह की हरकत की गई है तो? सर देखिए, ये मामला बड़ा ही जघन्य, शर्मनाक और ख़राब है। अब चूंकि अंतिम कार्रवाई का अधिकार उसमें हमारे माननीय प्रबंधक जी को ही होता है, और उसमें उनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। मानते हैं सर निलंबित किया सकते हैं इस मामले को लेकर? चूंकि निलंबन का अधिकारी माननीय प्रबंधक जी के पास ही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी महिला या किसी अन्य से बात करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कुछ बातें अश्लील हैं। ये पुलिस की नॉलेज में आया, इस संबंध में हम लोग टीडी कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनसे भी बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने तत्काल इस पर जो है जो प्रोफेसर प्रदीप सिंह जी हैं उनका दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है, और पुलिस के द्वारा इस वीडियो की जांच की जा रही है, इसकी प्रमाणिकता तथा इसके स्रोत के बारे में जांच की जा रही है। कोई कार्रवाई सर पुलिस की वजह पुलिस की तरफ से कोई शिकायत मिला? अभी ऐसी कोई प्रेमफाजी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जो हमको वीडियो मिला है ये अति गंभीर और संवेदनशील है, इस संबंध में वीडियो की प्रमाणिकता और स्रोत के बारे में जानकारी की। कोई शिकायत अगर पुलिस को नहीं मिलती तो क्या सर पुलिस स्वयं अटेंड करेगी? हाँ, जैसे ही पता चलेगा इसकी मतलब प्रमाणिकता क्या है उसके संबंध में जो विधिक कार्रवाई होगी।